गुड आफ्टरनून एवरीवन, इज विपिन यादव, मेरा रैंक है 245, मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हूँ। आज अपने एक और स्टूडेंट से मिलते हैं, विपिन से, विपिन यादव जिनका ऑल इंडिया 245 रैंक है, गोरखपुर यूपी से हैं। विपिन, सबसे पहले आपको इस रैंक के लिए बधाई। इनफैक्ट आपको कॉलेज भी अलॉट हो गया और एनआईटी इलाहाबाद अलॉट हुआ है, जो कि अपने आप में टॉप एनआईटीज में आता है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सबसे पहले सर आपको और प्रतीक सर को बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की मेहनत की वजह से हमारा ये रैंक अचीव किया है। और अब विपिन, जैसे आपने अभी ये रैंक अचीव की है और लास्ट ईयर आपने क्योंकि निमसेट का एग्जाम दिया था और आपकी 1200-1300 के आसपास रैंक थी, तो उस समय एक ये डिसीजन लेना कई बार के ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना, एक तो वो प्रेशर था, फिर उस प्रेशर के साथ इस साल पढ़ाई करना और इतनी अच्छी रैंक अचीव करना, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने, आपका क्या मैसेज, आपकी सक्सेस जर्नी क्या है, और जब लास्ट ईयर ये हुआ था तो उससे कैसे आपने अपने आप को बाहर निकाला और फिर प्रिपरेशन की, क्योंकि एक चीज आपने भी नोट की होगी, जब ड्रॉप आपने लिया था जब भी, और नॉर्मली बच्चे कई बार घबराते हैं ड्रॉप लेने से या सोचते हैं 10 बार, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी जर्नी बहुत डिटेल में बताएं, जिससे कोई बच्चा अगर अपने आप को कंफ्यूज है या समझ नहीं पा रहा क्या करे, तो वो इससे कुछ सीख पाए। सर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूंगा, सबसे ज्यादा थैंक यू तो मेरे पेरेंट्स को, जिन्होंने मेरे ऊपर बिलीव किया, जब जो कि मैं एक बहुत मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और पापा और मम्मी का ये मेरा ट्रस्ट था कि मैं कुछ करूंगा, और वैसा ही हुआ, उनका ट्रस्ट। और पापा वॉज लाइक कि तुमको जो करना करो मैं साथ दूंगा हमेशा तुम्हारा। पापा मेरे बहुत हेल्प किया मेरा, मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, और हम आए आपके पास, और आपके पास भी वही पेरेंट्स वाली फीलिंग्स आई, और रहा यहाँ पे पढ़ाई किया। तो पिछले साल मैंने एग्जाम दिया जब निमसेट का, तो प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर पाया था, और प्रॉपर मेरा कोई प्लान नहीं था कि क्या करना है कैसे करना है। आया मैं मतलब 4 या 5 मंथ था, और उसमें आरडी सब्जेक्टिव अच्छे से सॉल्व किया, और कुछ ये नहीं पता था करना क्या है, पेपर कैसे एनालिसिस करना है, उसके बारे में मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं था, मैं बस सॉल्व करता था। और बीच में लॉकडाउन हुआ तो मेरा पढ़ाई ब्रेक हो गया, और पढ़ाई लगभग 6 मंथ का ब्रेक हुआ, और मैं, मेरा रैंक आया 1321 ऑल इंडिया। और उसके बाद से टफ टाइम था कि क्या करें, उसके बाद से सर से मैंने बात किया, सर मेरा ये रैंक आया, सर ने बोला कि तुमने लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं किया, और मैंने बोला कि सर नहीं किया, तो बोले कि अभी फिर से लग जाओ, टाइम है और तुम कर लोगे, पूरा भरोसा हम पे। फिर मैंने शुरुआत किया फिर से नए तरीके से पढ़ाई करना, जो भी उस बार गलतियां किया था वो इस बार गलती कुछ नहीं किया, और अच्छे से पेपर सॉल्व किया, पेपर एनालिसिस करता था। और सबसे मेन पॉइंट आता है कि क्या करना है, कॉन्फिडेंस जो होता है वो नहीं बूस्ट हो पाता है, कि मतलब जब ये निमसेट का जो एग्जाम है ना, सारा डिपेंड करता है हमारे कॉन्फिडेंस पे, और कॉन्फिडेंस जब भी आ गया तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और वो कॉन्फिडेंस कब आता है, जब हमें दिखे, हमें लगे कि हाँ हमने कुछ कर लिया। और उसके बाद से मैं पेपर सॉल्व करता था तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आते थे, कि पेपर सॉल्व किया उसमें किसी किसी पेपर में सॉल्यूशंस नहीं थे, ऑलमोस्ट सॉल्यूशन नहीं दिए रहते थे, बस ऑप्शंस दिया रहता इसका ये राइट इसका ये रॉन्ग, तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता था कि क्या इसका, क्या ये सही है, क्या ये मतलब यही है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि लास्ट में बुक सॉल्व किया मैंने, और लास्ट में मैंने बुक सॉल्व किया अरिहंत का, अमित एम अग्रवाल वाला, और उसमें कम कम क्वेश्चन रहते थे, उसको बहुत अच्छे से सॉल्व किया, बहुत अच्छे से सॉल्व किया, और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ वो ने, उसने मेरे रैंक में बहुत ज्यादा बूस्टअप किया, लाइक कि हाँ मैंने सॉल्व किया, एक बुक मैंने सॉल्व किया है, बस उसके लिए मैंने सॉल्व किया, इसके लिए नहीं कि वो मेरे को सॉल्व करना था, बस कॉन्फिडेंस के लिए सॉल्व किया, और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया। और जब ये डिसीजन लेना था, बहुत टफ डिसीजन था कि फिर से एक बार ड्रॉप लेके करना है, और उसके लिए क्या हुआ, सर से बात किया, जब सर सर ने बोला ठीक है, तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मेरे को मिला, एक फैमिली जैसा इन्वायरमेंट मिला। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसके हिसाब से बताता हूँ, जैसे सपोज लो, सपोज दैट कि एक आपको जाना है कहीं ट्रेन से, और आप एक प्लेटफॉर्म पे हैं, और आपकी ट्रेन रात में है और काफी लेट है, और प्लेटफॉर्म आपके घर से काफी दूर है, तो एक वो होता है घर वालों की प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम कि कैसे मेरे को करना है मैनेज, और वो कैसे करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत पहले प्रिपेयर करते हैं सारी चीजें, बहुत सारे डर रहते हैं क्या ट्रेन ना छूट जाए, ऐसा कुछ बहुत सारी डर रहती। लेकिन यहाँ पे मेरे को ऐसा बताऊं कि ऐसा लगा कि मेरा घर ही प्लेटफॉर्म है, सोचो कि आपका घर ही प्लेटफॉर्म है, और आपको आपकी ट्रेन रात के 2 बजे है, तो आपको कितना फ्री फील होगा कि मम्मी है घर पे बोली कि बेटा तेरा ट्रेन आ गया, जा बैठ जा, मतलब ऐसा आप समझ रहे होंगे इस एग्जांपल का क्या मतलब है, कि ऐसा मेरे को यहाँ पे फील हुआ कि वो जो ड्रॉप है 1% भी उसका रिग्रेट नहीं है, मेरे को उसका 1% भी रिग्रेट नहीं है कि मेरे को रुकना पड़ा, और मैंने बहुत अच्छा किया, और मैं मतलब
खुश हूँ जो भी मेरा आया रैंक, और बहुत सारे लोग मेरे सपोर्ट किए हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उनके लिए उनको बहुत सारा थैंक यू, मम्मी पापा दोस्त बहुत सारे ने, सारे लोग थे जो जिन्होंने सपोर्ट किया, तो उनको थैंक यू बस सर। देखिए विपिन ने काफी सारी आपको बातें बताई, और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसने बोली कि निमसेट के एग्जाम को क्रैक करने का एक माइंडसेट होना चाहिए। तो जैसे इसने सब कुछ कर लिया था, फिर बाद में लगा कि क्यों ना कोई गाइड सॉल्व कर ले, कम समय में इसने गाइड सॉल्व कर लिया। अब जैसे आप जब सुनते हैं कभी भी, तो जरूरी नहीं है एक गाइड, कोई भी जो आपने गाइड ली उसको बस ये कोशिश करना चाहिए कि वो पूरी आपसे सॉल्व हो जाए, और वही आपने किया भी, और उसका आपके सामने आज रिजल्ट है। और एनआईटी इलाहाबाद एक बहुत अच्छा कॉलेज है, और विपिन मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर कि ये अभी आपकी सक्सेस जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, और स्पेशली उन लोगों के लिए भी करना है जो कई बार आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कई बार किसी वजह से पीछे रह जाते हैं। क्योंकि हम क्या होता है, जब एक सक्सेस ले लेते हैं तो एक रोल मॉडल जैसा काम होता है हमारे लिए, तो वो रोल मॉडल का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बनाए रखें, ऐसे ही आगे बढ़े और एनआईटी में भी ऐसी धूम मचाएं। ऑल द बेस्ट वंस अगेन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।